गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नई सी स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए आज का स्टडी ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:30 AM, तो अभी मैं फर्स्ट स्लॉट में जनरल नॉलेज पढ़ूंगा और पहले स्लॉट में ही एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन को मैं पहले थियोरिटिकल पार्ट को पढ़ूंगा, फिर ये जो पिनाकल का बुक है और जो मेरा बंगाली वर्जन का बुक है उससे मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगा। तो चलिए हिस्ट्री का पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था एंशियन हिस्ट्री का, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज एंड जो मौर्यन पीरियड का जो टाइम था वो उसको मैं अच्छे से पढ़ रहा था। एमसीक्यू का पोर्शन भी पढ़ रहा था क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा वेस्ट बंगाल पीएससी का एक एग्ज़ाम है और एमटीएस का एग्ज़ाम भी है, तो सभी एग्ज़ाम में हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं हिस्ट्री को अच्छे से रिविज़न कर रहा था। तो चलिए हिस्ट्री को कम्प्लीट कर लेते हैं। मेरा हिस्ट्री का रिवीजन का पोर्शन कंप्लीट हो गया था, तो अभी मैं स्टैटिक जीके पढ़ूंगा, जो अंकित भट्टी का सर का बुक है। मेरे पास उसका इंग्लिश वर्जन का बुक है, इससे मैं स्टैटिक जीके पढ़ूंगा, रिवीजन करूंगा अच्छे से, क्योंकि एमटीएस और कोई भी एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको कम्प्लीट कर लेते हैं। तो मैं अभी स्टडी जीके का पोर्शन को पढ़ रहा था। जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुआ है जैसे कि एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सब का जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आया था स्टडी जीके से, उस टॉपिक्स को मैं अच्छे से पढ़ रहा था क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए स्टडी जीके का पोर्शन को कम्प्लीट कर लेते हैं। Much, much, much later. अभी टाइम हो रहा है 2:30 PM। अभी मैं मैथ प्रैक्टिस करूँगा, एलसीएम और एसीएम का चैप्टर को, मैं कॉन्सेप्ट, मेरे पास यहाँ पर नोट है कॉन्सेप्ट का, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगा और फिर मैं इस बुक से, जो किरण का प्रीवियस ईयर का बुक है, इससे प्रैक्टिस करूँगा थोड़ा सा। तो चलिए मैथ प्रैक्टिस करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी इवनिंग का टाइम है, तो अभी मैं जीके पढ़ूंगा, जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन को मैं पढ़ूंगा, 5-year plan एंड जो नीति आयोग उसका पोर्शन मैं फर्स्ट पढ़ूंगा। मैं इस बुक से, ये वाला बुक बंगाली वर्जन का है, इस बुक से मैं थ्योरी का पार्ट को पढ़ूंगा अच्छे से, फिर मैं यहाँ पर जो पिनाकल केसीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उससे मैं पढ़ूंगा, और जो स्टेट पीएससी का कुछ क्वेश्चन है इस बुक पर उससे मैं स्टेट पीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करूँगा। चलिए इकोनॉमिक्स का पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी मैं इकोनॉमिक्स का थियोरिटिकल पोर्शन को पढ़ूंगा, जो तपोती का मेरे पास बुक है बंगाली वर्सन का, वहाँ से मैं पढ़ूंगा थियोरिटिकल पोर्शन, जो 5-year plan है, 12th 5-year plan हुआ था उसका मैं पोर्शन को अच्छे से पढ़ूंगा, और फिर नीति आयोग पढ़ूंगा, पहले इसको कंप्लीट करूंगा, फिर उसका जो एमसीक्यू का पोर्शन है उसको मैं कंप्लीट करूंगा।
मेरा इकोनॉमिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया था, तो मैं अभी मैथ प्रैक्टिस करूँगा। इस नोटबुक में मैं गगन प्रताप सर का क्लास करके थोड़ा सा नोट करके रखा था, तो मैं अभी परसेंटेज को थोड़ा सा रिवीजन करूँगा और जो किरण का बुक है उस बुक से मैं परसेंटेज को अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा। तो चलिए थोड़ा सा मैथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैथ मेरा आज का लास्ट स्लॉट था, तो मैं अभी मैथ प्रैक्टिस करूँगा थोड़ी देर। तो ब्लॉग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।